बहुचर्चित कमलेश प्रजापत के एनकाउंटर मामले में सीबीआई ने 5 जुलाई को केस दर्ज किया और जांच के लिए सीबीआई टीम बाड़मेर भी पहुंच गई है। सीबीआई टीम ने सर्किट हाउस में जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और डिप्टी से एनकाउंटर मामले में गहन पूछताछ कर जानकारी ली। वहीं टीम द्वारा पुलिस अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद मौके पर जाने के साथ कमलेश के परिजनों से भी पूछताछ करेगी। बाड़मेर के बहुचर्चित कमलेश प्रजापत के एनकाउंटर मामले में सीबीआई ने 5 जुलाई को केस दर्ज कर लिया था और 9 जुलाई को टीम बाड़मेर पहुंच गई है। राजस्थान सरकार की सिफारिश पर सीबीआई ने अब कमलेश प्रजापत एनकाउंटर की जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को सीबीआई टीम बाड़मेर पहुंची, जहां सर्किट हाउस में उनके ठहरने के लिए व्यवस्था की गई है। शनिवार को सीबीआई टीम सर्किट हाउस में अपना जांच पूरा केंद्र स्थापित किया। इसके लिए बाड़मेर पुलिस ने कई संसाधन उपलब्ध करवाए। शनिवार सवेरे बाड़मेर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा और बाड़मेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह सीबीआई की टीम से औपचारिक मुलाकात करने सीबीआई कैंप स्थल पहुंचे। यहां 3 घंटे तक आपस में इनकी मंत्रणा चली। इसके बाद बाड़मेर पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जब कैंप से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से किसी भी तरह से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इसके बाद सीबीआई की टीम कैंप से घटनास्थल पर रवाना हुए। बाड़मेर सर्किट हाउस में ठहरी सीबीआई की टीम में एडिशन एसपी स्तर अधिकारी सहित 5 सदस्यों की टीम सदर थाने भी पहुंची। यहां पर एनकाउंटर के अगले दिन बाड़मेर पुलिस के द्वारा कमलेश प्रजापत के घर से बरामद की गई आधा दर्जन लग्जरी गाड़ियों को देखने पहुंची। यहां पुलिस के अधिकारियों ने एनकाउंटर के वक्त कमलेश प्रजापत द्वारा उपयोग में ली गई गाड़ी का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके बाद सीबीआई की टीम अपने कैंप वापस लौट आई। रविवार को भी सीबीआई की टीम विभिन्न जगहों के दौरे के साथ विभिन्न लोगों से मिल सकती है।